ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज एयर इज अ मिक्सचर और नॉट। हमने ये लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने दो पॉइंट लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो कंपोजिशन है एयर की वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी प्लेस टू प्लेस ऑक्सीजन की अमाउंट या फिर जिसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनके अमाउंट्स बदलते रहेंगे। ग्राउंड पे यानी फ्लैट सरफेस पे रहोगे तो तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, माउंटेन पे जाओगे तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एयर इज अ मिक्सचर और नॉट, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट, जिसने नोट डाउन कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट डाउन नहीं किया वो भी नोट डाउन कर सकता है, और जिसने नोट डाउन कर लिया उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की जगह पे तुम सेम भी लिख सकते हो, एट ऑल प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस है सभी प्लेसेस पर एयर की जो कंपोजिशन है वो सेम बिल्कुल नहीं है। तो सर कैसे, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जैसे जैसे हम हाइट पे यानी माउंटेन्स पे जा रहे हैं, जितना हम ऊपर जाएंगे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर के अंदर कम होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीजेस एज वी मूव एट हायर एल्टीट्यूड, एज वी मूव एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब है माउंटेन्स या फिर ऐसी कोई जगह जो काफी ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए तुमने नोट डाउन किया होगा, काफी सारे जो माउंट क्लाइमर्स होते हैं तो तुमने देखा होगा वो अपने साथ में ऑक्सीजन टैंक कैरी करते हैं, बिकॉज क्योंकि माउंटेन पे जैसे ही ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल रखने के लिए, हमारी बॉडी को जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए वो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन टैंक कैरी करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज अबाउट द कंपोजिशन, जितने भी एयर के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। क्या नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं करते। अगर उनको सेपरेट करना है, क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर के अंदर हमने कल टेबल में पढ़ा था कि मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट है उनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया कंपोनेंट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एयर के कंपोनेंट्स जिससे एयर बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। कोई कोई यहां पे प्रोसेस लिख देगा, कोई यहां पर मींस लिख दे, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है। सर ऐसे कौन से फिजिकल प्रोसेस है जिससे हम एयर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड में सबसे ज्यादा अमाउंट है ऑक्सीजन की, और एयर में तो ऑक्सीजन है बट जो लंग्स है वो उस ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है,
जो ऑक्सीजन गैस स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैस में, उसको कन्वर्ट कर रही है किस स्टेट में, ऑक्सीजन एट लिक्विड, ठीक है, और इसको टैंक में फिल करके हॉस्पिटल्स के पास पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो सर ये कौन से प्रोसेस से आपने किया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो किसी भी गैस कंपोनेंट को लिक्विड स्टेट में ले आना, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर जो रिएक्टेंट था, यानी जो हमारा रिएक्शन में जा रहा है, वो भी ऑक्सीजन है, और रिएक्शन से जो आ रहा है लिक्विफिकेशन के बाद वो भी ऑक्सीजन ही है, बट उनकी फिजिकल स्टेट बदल गई है। पहले वो गैसीय स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में आ चुका है। यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, यहां तक मेरे ख्याल से नो सर, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे देखो, द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू एनर्जी। अब तुम अपना पीछे टेबल देखोगे कॉपी में, कंपाउंड्स और मिक्सचर में, लास्ट पॉइंट इज अबाउट एनर्जी। आई थिंक लास्ट पॉइंट एनर्जी के बारे में था। यस सर। तो उसमें क्या लिखा था हमने, तो देखो और पढ़ो। उसके अंदर हमने क्या लिखा था? ड्यूरिंग अ मिक्सचर, जब हम सेपरेट करते हैं, जब मिलाते हैं, तो हम उसमें किसी भी तरह की एनर्जी ना तो गेन होगी और ना ही लूज होगी, ठीक है। तो विच मीन्स एयर, जब हम दो गैसेस को मिक्स करेंगे, तो इसमें से भी किसी अमाउंट की, किसी तरह की एनर्जी ना तो गेन होनी चाहिए ना ही लूज होनी चाहिए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? आ जाओ थर्ड पॉइंट, नो केमिकल एक्शन, नो केमिकल एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन या ड्यूरिंग मिक्सिंग। ठीक है। अब किसी तरह केमिकल एक्शन का मतलब क्या हो गया, कि जब हम उनको मिला रहे हैं, तो उन, पहली बात तो जितनी भी गैसेज है अनरिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक और चीज से लिख सकते हैं, नो हीट और एनर्जी इज इवॉल्व, यानी रिलीज होनी चाहिए, रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग। ठीक है। तो जब हम मिला रहे हैं, तो किसी भी तरह की एनर्जी ना तो वो लेगा और ना ही देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम देखोगे कि हमारे जितने भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर्स आर केमिकली इनर्ट। ठीक है। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, कब? जब उनको मिलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें मेरे पास नाइट्रोजन है, और मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कंटेनर में डाला, ऐड कर दिया बड़े से कंटेनर में, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे,
और ये एक दूसरे के साथ में बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे, बस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो ग्रीन डॉट्स है, दीज आर ऑक्सीजन, एंड जो हमारे पास ब्लू डॉट्स है दोज आर नाइट्रोजन, ठीक है, सिंपली मिक्स हो जाएंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, और हमारे पास ग्रीन डॉट में किसके थे, हाँ ऑक्सीजन के। तो यहां पे बोल सकते हैं कोई भी नो केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है। जब इनको मिक्स किया तो किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, किसके केस में, एयर के केस में। तो किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं होना इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये किसके अंदर होता है, मिक्सचर के अंदर होता है जी। कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, कंपाउंड में मिल जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे और कुछ नई चीज बन जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड का, ये एक्स्ट्रा में डाल देना इसको। अब कंपाउंड केस में क्या होता है, कंपाउंड में अगर तुम मिलाओगे, जैसे एग्जांपल मानोगे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, एक रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वॉटर, ठीक है। तो वॉटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और एक नया सब्सटेंस, और इसमें एनर्जी लगेगी, क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। यहां पर क्या लगेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी भी लग रही है करने के लिए, तो एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज होगी, सॉरी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज भी हो रही है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केमिकली इनर्ट भी नहीं है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कोई नई चीज बन रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, बट मिक्सचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारा किसका केस था, मिक्सचर का केस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, यस सर, ठीक है, नोट डाउन हो गया एक बार ये, ठीक है, आई थिंक हो चुका नोट डाउन, तो मूव करें आगे, यस सर, आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम देखोगे जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज कि जो एयर इज अ मिक्सचर को प्रूफ करता है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट प्रॉपर्टी। अब पीछे टेबल में नोट डाउन करोगे तो हमने प्रॉपर्टी का एक कॉलम बनाया था, पॉइंट लिखा था, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी द एलिमेंट जो भी मिक्स होने जा रहे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेंगे आफ्टर मिक्सिंग। क्या रखेंगे, ईच ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह पे एक अच्छा वर्ड लिख लो, कॉन्स्टिट्यूएंट, ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर रिटेन्स, ठीक है, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल, एक सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ज्यादातर तुमने नोट डाउन किया होगा या देखा होगा कि जो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं डॉक्टर्स वगैरह, उनमें दो होल्स होते हैं साइड में, होते हैं ना, यस सर, तो वो होल्स किस लिए होते हैं, कभी सोचा है, बताओ कि वो होल्स किस लिए होते हैं जो ऑक्सीजन मास्क में लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया करो नहीं पता सर बता दो। उस केस में तुम देखोगे जनरली जो ऑक्सीजन मास्क है, हमारे पास ऑक्सीजन टैंक है, ये मान के चलो ऑक्सीजन टैंक है, ये यहां पर पेशेंट है हमारा, गोलूसा मोलूसा,
ये उसका ऑक्सीजन मास्क है, यहाँ पर इसके होल्स है, हमने नोट डाउन किया होगा ये होल्स, ठीक है। अब इस टैंक में प्योर ऑक्सीजन है, क्या है, प्योर ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं है। बट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एक सेकंड, इसने कुछ टाइप किया है, फॉर रिलीजिंग CO2 आस्था पार्शली करेक्ट हो, बट उसके अलावा भी इसका यूज होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, काफी अच्छा है, बिल्कुल सही जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे ह्यूमन बॉडी है, क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी प्योर ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, प्योर ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर सकता, उसको चाहिए इम्प्योर, इम्प्योर एयर चाहिए, ना कि ऑक्सीजन। सर एयर का मतलब क्या, कि ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, ठीक है। अब इस टैंक से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी उसको, ऑक्सीजन, बट दीज होल्स, इन होल्स से उनको क्या मिलेगा, बाकी अदर गैसेस, जो कि क्या बनाएगा, इस ऑक्सीजन को इम्प्योर करेगा, ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट अभी भी ज्यादा ही जा रहा है, नेचुरल के मुकाबले ज्यादा जा रहा है, बट साथ में उसकी बॉडी किसकी आदत है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की भी आदत है, तो उनको वो भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पर होल्स है। अब इस केस में तुम नोट डाउन करोगे, हमारे पास एयर में ये तीनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, कंबशन यानी बर्निंग, तो क्या कर रही है, सपोर्ट करती है। वहीं पर CO2 कंबशन को स्टॉप करती है, क्या करती है, स्टॉप। तो विच मीन्स जो एयर है वो सपोर्ट भी कर रही है और स्टॉप भी कर रही है। वो ऐसा क्यों कर पा रही है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है जो सपोर्ट कर पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो सपोर्ट नहीं करती यानी स्टॉप करती है। तो दोनों अपने अपनी प्रॉपर्टी लेके कैरी कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा जब उनको मिला रहे, तो एयर बन रही है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज जो है उनके पास, ये जो प्रॉपर्टीज है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसी है, सेम है, रिटेन रह रही है पहले की जैसी, ठीक है, पहले के जैसी। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो बर्निंग होगी यानी सपोर्ट होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया तो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आई, सही है, सुनो, यस। तो इस पॉइंट का मतलब क्या था, कि जितने भी कंपोनेंट एयर में प्रेजेंट है सब अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सभी का कोई ना कोई रोल है, ठीक है, मिलाने से ऐसा नहीं होगा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, वो कुछ और ही बिहेव करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एयर इज अ मिक्सचर को सपोर्ट करने वाले सारे पॉइंट, यहां तक समझ में आया, यस और नो, ये नोट डाउन हो गया, यस सर, आ जाओ फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लो फिर। अब जैसे हमने बात की एयर की, हम बात कर ले तो वाटर की भी बात करते हैं, क्योंकि 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है, तो वाटर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो वाटर इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड, बताओ, वाटर इज अ कंपाउंड और नॉट, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन दिया और तुम सभी जितने भी पॉइंट तुमने कंपाउंड के लिखे हैं टेबल में, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर,
तो सारे के सारे पॉइंट एक एक करके वॉटर को सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, वॉटर को सेटिस्फाई करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं वन बाय वन। एज वी नो वॉटर इज अ कंपाउंड, हम पहले से ही जानते हैं सर वॉटर कंपाउंड है, तो बताओ कैसे कंपाउंड है। फर्स्ट वॉटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए सर, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ प्योर वॉटर इज फिक्स्ड, ठीक है, तो फिक्स है, और वी कैन से सेम थ्रू आउट। जितना भी अगर मान के चलो मेरे पास क्या है, वॉटर का मॉलिक्यूल एक, ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब दो एटम किसके आएंगे, हाइड्रोजन के, एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन करेंगे केमिकली कंबाइन करेंगे, तभी जाके वॉटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वॉटर का कंपाउंड बनेगा। यस सर नो? यस सर। ठीक है, तो यहां पर तुमको समझ में आया, तो कंपोजिशन फिक्स है किसकी, वॉटर की, कि वॉटर को बनाना है, वॉटर के मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाने हैं, तो हमेशा दो, क्या, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कि हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम हो जाए, एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या वो वाटर बन जाएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये क्या बन जाएगा सर, HO2, ये तो वाटर का फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन फिक्स है, कंपोजिशन क्या है, फिक्स। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है, यस, किसी को कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, अब इसी को, कंपोजिशन को अगर हम वेट करके लिखे, क्योंकि सर मैं दो एटम चुनने तो जाऊंगा नहीं, या एक एटम ऑक्सीजन का लेने जाऊंगा नहीं, तो सर वेट में कैसे, मेरे पास तो ग्राम में होगा या केजी में होगा, तो उस केस में तुम लिख सकते हो जो कंपोजिशन है, तो तुम ऐसे बताओगे, वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद एट पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। सर ये पार्ट्स का मतलब क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1:8 में होनी चाहिए, विच मीन्स ये क्या है, रेशियो। इसका मतलब होता है कि अगर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं तो हाइड्रोजन अगर मैं 1 ग्राम लूंगा तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 8 ग्राम, तब जाके मेरा वॉटर बनेगा, ठीक है। अगर ग्राम में नहीं लेना सर, हम थोड़े से बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा अमाउंट, 1 kg, और ये कितना लेना पड़ेगा, 8 kg, यस और नो, आ गया? यस, ठीक है, तो दिस इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ वॉटर। सेकेंड पॉइंट पे मूव करें, ठीक है, आ जाओ। यस सर। थर्ड सेकंड पॉइंट के बारे में जानो, सेकंड पॉइंट इज मोर अबाउट कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपोनेंट ऑफ वॉटर, जिससे वॉटर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
जब उनको अलग करना है, मेरे को अलग करना है, सेपरेट, क्या मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूं वाटर को? बिल्कुल भी नहीं। क्या वाटर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता? तो वही हमारा सेकंड पॉइंट बन गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन्स यानी बॉइल करके, लिक्विफिकेशन करके, या फिर उसको इवेपोरेशन करके, या डिस्टिलेशन, ये सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो इनसे हम वाटर के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो वाटर है, हम वाटर को सेपरेट कर दे, तोड़ दें, और हमारे पास हाइड्रोजन आ जाए और ऑक्सीजन अलग अलग आ जाए। ये दोनों क्या है? कंपोनेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हमारे पास वाटर है, और यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट। तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फिजिकल मींस से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे। तो सर सेपरेट किससे कर सकते हैं? केमिकल मींस, ठीक है। तो केमिकल मींस लाइक, जैसे तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं वाटर के अंदर से, अब तुमने तुम्हारे घर में अगर बाय चांस गीजर नहीं है, बकेट्स में पानी गर्म करते थे, ऐसा होता है कभी? देखा है बकेट्स में पानी गर्म करते हुए, वो राड आती है, राड। यस सर। ठीक है, हमारे घर में देखो, हमारे घर में राड से यूज करते हैं। तो कैसी होती है राड, तुमने नोटिस किया होगा? अगर नोटिस नहीं किया होगा तो देखना। तो वो राड होती थी, उसके ऊपर ऐसे एक पीस होता था, उसमें से दो रोड निकली होती थी, और वो दो रोड नीचे यू शेप बना के ऐसे वापिस जुड़ जाती थी। यहां से वायर कनेक्ट होता था प्लग में, देखा है? और ये पानी में ऐसे सबमर्ज की जाती थी, नोटिस किया? यस सर। अब इस केस में तुमने देखा होगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे, क्या करते थे? स्विच ऑन, तो यहां पर क्या होते थे? यहां पर बबल्स क्रिएट होने चालू हो जाते थे, नोटिस किया? बबल्स क्रिएट होते हुए, बबल्स। तो ये बबल्स किस चीज के होते थे? एक्चुअली में दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वाटर स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर एंड हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर जो बबल्स क्रिएट हो रहे थे, तो ये बबल्स क्रिएट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, किसके? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। ये नोटिस किया है? सही है सुनो, देखे बबल्स? अगर नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, अभी विंटर आएगी तो आराम से देखना, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हम फिजिकल मीन्स से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली सेपरेट बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। केमिकल मीन्स में हमने क्या यूज किया है? वी यूज्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इसमें हमने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नोट डाउन हो गया? यस सर। मूव करें आगे, आ जाओ। Yes, sir. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज लाइक द
केमिकल रिएक्शन. अब तुम ध्यान से देखते हो, अभी हमने क्या देखा था कि जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये बबल्स क्रिएट हुए, और बबल्स क्रिएट होने से पानी क्या होगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी सर, बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, वाटर के, उनको क्या करने में जाएगी, हीट अप करने में जाएगी, उनका टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगी. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही है, सॉरी सेकंड थर्ड पॉइंट यही है. तो लिख लो कहाँ पूछ के दिया, थर्ड पॉइंट, द केमिकल रिएक्शन took place with the liberation of heat energy and light energy. ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि उसके अंदर से लाइट भी इमिट होगी. ठीक है, हीट वाला तो हमने जान ही लिया और लाइट वाला भी जान जाएंगे. ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन हो गया. तो लास्ट पॉइंट क्या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है, यानी जिस चीज से वो बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगी, किसकी प्रॉपर्टी, वॉटर की. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखोगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में और बनाएगा वॉटर. हाइड्रोजन क्या करता है, बर्न होता है, क्या करता है, बर्न करता है, बर्न, क्योंकि ये फ्यूल है तो फ्यूल तो जलेगा. ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, बर्निंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है. और वॉटर बर्निंग को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है. तो यानी जिस चीज से वो बना हुआ है और जो बना हमारा प्रोडक्ट, वो टोटली अलग प्रॉपर्टी शो करेगा जिस चीज से वो बना हुआ है उनसे. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा जब हमारा वॉटर बन जाएगा तो. ठीक है, ये वाला चीज समझ में, कि वॉटर इज अ कंपाउंड, तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं वॉटर इज अ कंपाउंड. ये नोट डाउन हो गया सभी का? यस सर. यहां तक किसी को कोई डाउट, आ जाओ. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट तुम नोट करोगे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख लोगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में ही मैं कॉन्सेप्ट को डाल रहा हूं ताकि तुमको अच्छे से याद हो जाए. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, तुमने ये वर्ड काफी सुना होगा, अलॉयज. ठीक है, अलॉय वर्ड काफी सुना हुआ है. तो अलॉय क्या है, अलॉय कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है. ठीक है, तो हमको पता करना है अलॉय आर द मिक्सचर और कंपाउंड. ठीक है, तो पहली चीज तो हम अलॉय के बारे में जान लेते हैं. ठीक है सर, अलॉय, चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ अलॉय का, ताकि तुमको और ज्यादा रिलेट हो पाए. तुमने काफी सारे जो मेडल्स वगैरह से देखे होंगे, तो उनमें से एक मेडल होता है ब्रॉन्ज मेडल, देखा है,
ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज मेटल होता है वो एक्चुअली में क्या है, अलॉय है, ठीक है। तो अलॉय एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे पहले, ताकि तुमको ज्यादा रिलेटेबल हो जाए और फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसे हम जानते हैं ब्रॉन्ज के बारे में, ये वाला तो तुमने घर में ही देखा होगा, स्टील, स्टील इट इज अ अलॉय, ठीक है। तो हमको पता करना है ये स्टील है, ये मेटल है, सॉरी कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज देख लो, जिसको हम बात करते हैं ब्रास की, ये मेटल है सॉरी मिक्सचर है या फिर कंपाउंड, ये सारे तुमने काफी नोट किए होंगे, देखे होंगे आसपास में ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। ओलंपिक्स वगैरह में देखे ना, थर्ड प्लेस जिसका आता है तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, फर्स्ट गोल्ड, सेकंड सिल्वर एंड थर्ड इज ब्रॉन्ज। स्टील के यूटेंसिल्स, बर्तन हम घर में काफी ज्यादा देखते हैं, ठीक है। ब्रास के भी यूटेंसिल्स हम देखते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं दीज आर अलॉयज। तो पहली चीज तो हम अलॉय की डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ और फिर हमको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करना है इस बारे में, ठीक है। इस क्लास में ये कंप्लीट होगा नहीं, तो अगली क्लास में इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी डेफिनेशन जान लेते हैं कि अलॉय होता क्या है। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड नहीं होता, मिक्सचर होता है। तो हम लिख सकते हैं अलॉय, अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इंटू सेपरेटेड इंटू देयर कंपोनेंट्स बाय एनी फिजिकल मीन्स, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। अब यहां पर तुम नोट करोगे, वी राइट फर्स्ट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स, जैसे हमारा देखोगे ब्रास, ठीक है। ब्रास के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है प्लस जिंक होता है, तो ये दो मेटल से को जब मिलाया गया, मिक्स किया गया, ठीक है, तो वो एक नया अलॉय हमारे पास मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा जिसे हम ब्रास बोलते हैं। वहीं पर ये भी क्या है, मेटल, और ये भी मेटल है। स्टील के केस में हमारे पास आयरन प्लस कार्बन, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो दोनों चीजों को होमोजेनियस मिक्सचर से मिलाया गया। और इनको बस कॉन्ट्राडिक्शन में जानो कि फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते। इसको नोट डाउन कर लो एक बार,